आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं और आप किसी ऑर्डर को यहां पर रिटर्न यानी कि बदलना चाहते हैं या फिर रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपना रिफ़ंड या इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट रिफ़ंड या रिटर्न करना है। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फ्लिपकार्ट जो है ओपन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जब फ्लिपकार्ट आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का जो है आपके सामने इंटरफेस आता है, मेन्यू आ जाता है। तो आपको यहाँ पर जो अकाउंट वाला सेक्शन दिख रहा है नीचे की तरफ में, तो इस पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो आपका जो है यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑर्डर्स का। तो ये ऑर्डर्स के ऑप्शन पर इस तरीके से आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपने जितना भी ऑर्डर किया होगा आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने ऑर्डर किए हैं यहाँ पे मुझको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ जो प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पर रिटर्न करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो ट्रिमर मैंने एक ऑर्डर किया था, तो ये ट्रिमर जो है मुझको आज ही डिलीवर्ड हुआ है। तो इस तरीके से मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो है प्रोडक्ट का डिटेल आ जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ में, तो आपको यहाँ पे जो है रिटर्न पॉलिसी वैलिड अप टू, हमारा जो प्रोडक्ट का रिटर्न पॉलिसी है वो 2 सितंबर तक का दिया हुआ है। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका जो है 7 डेज या फिर 30 डेज का जो है रिप्लेसमेंट पॉलिसी रहती है, वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर जो है रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ रिटर्न। तो ये रिटर्न के ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे के रीज़न ऑफ रिटर्न, तो आप किस कारण से जो है अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑप्शन को, और यहाँ पे आप भी आपको जो है मोर डिटेल्स में आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको कमेंट में रीज़न लिख देना है जिस भी रीज़न से आप जो है प्रोडक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज़ रिटर्न। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया है प्लीज़ रिटर्न, और यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपको यहाँ पे जो भी कंफर्मेशन दिया हुआ है आपको बॉक्स में टिक कर देना है, और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन जो दे रहा है इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो रिफ़ंड अमाउंट है आप गिफ्ट कार्ड वॉलेट यानी फ्लिपकार्ट वॉलेट में लेना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ नीचे की तरफ में देखेंगे तो लिखा है बैंक अकाउंट। तो रिफ़ंड जो है आपके बैंक अकाउंट में विद इन 5 से 7 डेज में जो है आपका जो है बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाउचर लेना चाहते हैं तो इस तरीके से वॉलेट में आपका पैसा आ जाएगा। अगर आप बैंक में लेना चाहते हैं तो बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है हम बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट ऐड होगा तो आपको यहाँ शो हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर ऐड न्यू अकाउंट में करके यहाँ पर अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी हम न्यू अकाउंट ऐड करके भी आपको बता देते हैं। करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको IFSC कोड डाल देना है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका IFSC कोड आपके बैंक के पासबुक में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपका अकाउंट नंबर होता है अकाउंट नंबर डाल देना है, और यहाँ कन्फर्म अकाउंट नंबर यानी दोबारा से, और अकाउंट होल्डर का नेम, और यहाँ फ़ोन नंबर डाल के ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल आपको फिल करके ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं अपना अकाउंट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है अभी हमने अपने बैंक का जो डिटेल है ऐड कर दिया है, और यहाँ पे इस तरीके से ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपना डिटेल कंफर्म कर लेना है, और यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे जो है हमको दोबारा से जो है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सक्सेसफुली जो है हमारा अकाउंट यहाँ पर जो है ऐड हो गया है। और आपको यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है अकाउंट यहाँ पर ऐड हो गया है। तो आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और जो अकाउंट आपने ऐड किया है उसको यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट को सेलेक्ट कर दिया है जिस भी अकाउंट में हमको पैसा चाहिए है, और यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हाउ विल बी योर रिक्वेस्ट टू बी प्रोसीड। तो आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं रिटर्न सक्सेसफुली इनिशिएट हो गया है, हमको रिटर्न ID भी मिल गया है। हमारा जो पिकअप है हमारे पास से, जो पिकअप होने के हमारे 5 से 7 दिन जो है 7 वर्किंग डेज में हमारा जो है रिफ़ंड हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिस भी जो भी हमने बैंक अकाउंट ऐड किया है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप भी अपना
फ्लिपकार्ट से जो प्रोडक्ट को रिटर्न या रिफ़ंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।